हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले फिर से पोको एक्स थ्री रिंगर प्रॉब्लम। तो ये सेट में दरअसल प्रॉब्लम ऐसा होता है, इसका जो ऑडियो आईसी में एक सप्लाई आता है सीपीयू की तरफ से, वो ड्राई होने की वजह से इसमें ऑडियो का प्रॉब्लम आता है। कई सारे केस में टच नॉट वर्क आता है, कई सारे केस में फ़ोन डेड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसी तरीके से फिक्स किया जाता है, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक के ज़रूर बने रहिए। आपको अगर कोई इस फ़ोन से रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ काम करवाना है आपका अपना, तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। अभी हम शील्ड विल्ड वगैरह काट लेते हैं, प्रोसेसर उतार के बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू की जो है वो काट देनी है हमें ग्लू। सीपीयू के ग्लू काटने से होगा ये कि प्रोसेसर उठाने में हमें आसानी जाएगी। तो अभी हमने यूएफएस चिप पे टेप लगा दिया है, तो अभी हमें धीरे धीरे ब्लेड डालना है और सीपीयू उठा देना है। देख लीजिए हमारा सीपीयू निकल चुका है। अब जगह क्लीन कर लेनी है और ये जो कंपोनेंट कुछ आड़े तड़े हो गए उसे सही कर लेते हैं अभी हम पहले। पूरा मदरबोर्ड नीट एंड क्लीन कर लेंगे अभी हम। देख लीजिए इस तरीके से साफ कर लिया अभी हमने। एक बार और क्लीन कर लेंगे इसे डिसोल्डिंग वायर की मदद से। देख लीजिए पूरा क्लीन हो चुका है हमारा मदरबोर्ड। अब आ जाती है सीपीयू साफ करने की बारी। सीपीयू भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे अभी हम, पूरा ग्लू कटिंग कर देंगे कहिए की मदद से और एक बार डिसोल्डिंग वायर की मदद से भी क्लियर कर देंगे पूरा शोल्डर। साइड से जो सीपीयू का ग्लू लगा है वो भी क्लीन कर देंगे और तार की ब्रश से साफ कर देंगे पूरा कार्बन। तब आ जाती है सीपीयू रिवॉल्व करने की बारी। अगर बॉल बराबर ना बने तो दो से तीन बार एक बार रिबॉल कर लेना है हमें उसी के ऊपर से पीपीडी लगा के। कई बार क्या होता है कुछ बॉल बराबर बनते नहीं है शेप में, कोई बॉल छोटे बड़े बन जाते हैं, तो ये प्रॉपर हमें कर लेना है। तो ये हमारा सीपीयू बन के रेडी हो चुका है। बस एक बार और कर लेते हैं और कटिंग करके, ये अब पूरा रेडी हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड में फिट करेंगे। थोड़ा सा फ्लक्स लगा के हिट मार लेंगे, जो बॉल जगह पे नहीं होंगे बॉल जगह पे आ जाएंगे। तो चलिए आईसी का नॉइज जहां रखना है वहीं रखना है हमें, राइट हैंड पे अपसाइड रखना है हमें आईसी का नॉइज। तो बस ये सीपीयू हमारा भी बैठने वाला है। जब पेस्ट हल्का सा बाहर आने लगे तो हम थोड़ा शेक कर देंगे सीपीयू को, तो जो बॉल बैठे नहीं होंगे वो प्रॉपर बैठ जाएंगे। देख लीजिए फ्लक्स आ चुका है बाहर, तो देखो अभी हम हल्का सा शेक करेंगे।
देख पा रहे होंगे आप जैसे, वैसे शेक किया हमने हल्का सा, बस हो चुका है हमारा, सीपीयू बैठ चुका है, अब मदरबोर्ड ठंडा भी हो गया है हमारा। अब हम फटाफट पूरा फ़ोन पैक करते हैं और इसे चेक करते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो हम अभी फटाफट इसे ऑन होने तक के वेट करेंगे। ये बस ऑन होने ही वाला है अभी हमारा फ़ोन, ये ऑन हो चुका है। तो देख लीजिए अभी हमें ऑडियो में जाके इसका ऑडियो चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए फाइनली गाइस हमारा जो ऑडियो सेक्शन का रिंगर है वो वर्क कर चुका है। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगर कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, बाय बाय।